अब अगली खबर है, बहराइच के बाद सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक। जंगली जानवर के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ कि किस जानवर ने हमला किया है, लेकिन चिंता बढ़ाने वाली यह खबर। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच के बाद सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक सामने आ रहा है। हालांकि ये बात भी है कि बहराइच से लगे हुए ये तमाम जिले हैं, तो सवाल ये खड़ा होगा कि जो भेड़िए वहां पर हमले कर रहे थे, जब वहां पर सख्त पहरेदारी हुई तो कहीं भागकर इन इलाकों में तो नहीं चले गए। हालांकि अभी इस बाबत कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये तमाम कयास हैं। सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक सामने आया गया है। ये कौन से जानवर हैं अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। एक बुजुर्ग महिला पर इसने अटैक किया था जिनकी जान चली गई। तो बहराइच के बाद अब सीतापुर में भी लोग डरे हुए हैं, जंगली जानवरों के हमले से लोग सहमे हुए हैं। अभी खुलासा नहीं हो पाया कि किस जानवर का हमला है। तो जो खूंखार भेड़िए बहराइच में घूम रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर जब सख्ती बढ़ी है, पहरेदारी बढ़ी है, तो भागकर आसपास के जिलों में पहुंच गए हों। अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो बहराइच के बाद सीतापुर से अभी की बड़ी खबर, जंगली जानवरों का आतंक यहां भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप देखिए, लाठी डंडों के साथ लोग वहां भी पहरेदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो जो तस्वीर आप बहराइच में देख रहे थे, कुछ यही आलम अब सीतापुर में। हालांकि बहराइच में तो 9 लोगों की जान ले ली थी खूंखार भेड़िए ने, जिनमें कई मासूम बच्चे थे। यहां की जो घटना है सीतापुर वाली, इसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। तो अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई है, पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर किस जानवर ने हमला किया। कोई जंगली जानवर ये लोग बता रहे हैं, जिसके हमले में एक महिला की जान चली गई। लेकिन ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि हो सकता है वो खूंखार भेड़िए अब इधर की ओर आ गए हो, चूंकि बहराइच में बहुत जबरदस्त सख्ती बरती जा रही है। हमारे साथ संजय त्रिपाठी, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। संजय, देखिए अभी आप सुन रही थी कि किस तरह से जो भेड़िए का या जंगली जानवरों का आतंक है, वो न केवल बहराइच जिले तक सीमित हो रहा है, बल्कि दूसरे वहां पर भी लगातार इस तरह के हमलों की बात सामने आ रही है। और अब सीतापुर का जो सदरपुर इलाका है, इसके अलावा धर्मपुर और जरखरी, यहाँ पर ही जानकारी मिली है कि जंगली जानवरों ने यह हमला किया है और एक महिला को, वृद्धा को, उसको मार डाला है। तो ये बड़ी घटना है, क्योंकि बहराइच जिले में तो भेड़ियों की कॉम्बिंग की जा रही है, यहाँ भेड़िए पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो दहशत का दायरा है ये बढ़ता जा रहा है। तो अब जो अन्य जिले हैं, बहराइच सटे जिले हैं, उनमें भी ऐसे जंगली जानवरों का आतंक व्याप्त हो गया है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वृद्धा की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे कौन जंगली जानवर हो सकता है, लेकिन परिवार के लोग ये दावा करते हैं कि ये भेड़िया हो सकता है। बहरहाल इंतजार है कि वन विभाग क्या पुष्टि करता है, क्या बात कहता है, लेकिन कुल मिलाकर के अब ये जो दहशत है वो कई अन्य जिलों तक पहुँचती जा रही है। धन्यवाद संजय, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। तो सीतापुर से ये चिंता बढ़ाने वाली खबर।